बोली बालाजी महाराज की, बोली राजा रामचंद्र भगवान की, बोली खाटू नरेश की जय जय श्री राधे। मेरा बड़ा सौभाग्य है, बड़ी कृपा, ये मेरे नारायण की कृपा हुई है मेरे पे। जिनके दर्शनों के लिए लोग तरसते हैं आज वो मेरे सामने। और एक बात मैं कहता हूं, मेरी इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि मैं बालाजी का प्रसाद जरूर लेके गया, लाइन में लगा, आगे गया, उन्होंने प्रसाद लिया, वहां रखा, प्रणाम किया, मैं बाहर आ गया। क्योंकि बालाजी से मेरी अभी जान पहचान नहीं है, मेरी तो नारायण से पहचान है। परंतु नारायण ने देखो कृपा की है, मैं उनको बालाजी को मनाने का तरीका आज आप लोगों को बता देता हूं। उनको हम छू नहीं सकते, दूर से ही प्रणाम करना है, निकल जाना है। उनको मनाने का सरल तरीका है, उनके भक्त को मना लो। अगर ये मान गए, ये खुश हो गए, उनके पास जाने की जरूरत नहीं। आशीर्वाद, बालाजी मेरे साथ साथ चल भाई, प्यार से कह दो। अरे ये खाली जुबानी बात, खाली जुबानी बात नहीं है, जुबानी बातें नहीं कर रहा हूं, ये शास्त्रों की बात, उदाहरण प्रमाण दे रहा हूं, भागवत प्रमाण है। भागवत में क्या था, एक गंधर्व को श्राप मिला, जाओ मगर मगरमच्छ बन जाओ। कहने जी की उद्धार कब होगा ये भी बता दो। कहने के जब तक स्वयं नारायण आकर के तेरा उद्धार नहीं करेंगे तुझको मुक्ति नहीं मिलेगी। अब एक मगरमच्छ जो मांस मच्छी खाता हो, कीचड़ में रहता हो, उसको उद्धार करने के लिए भगवान आएगा? कभी नहीं हो सकता, वो भी श्री वैष्णव भगवान जो की है। मगरमच्छ सोचता रहा ऐसा क्या करूं कि भगवान मेरे पास आए मुझे मुक्ति करने के लिए। सोचता रहा, हजारों वर्ष बीत गए, देखा एक हाथी आता था, हाथी गज, रोज भगवान नारायण को कमल चढ़ाता था। उसने कहा मिल गया मुक्ति का कारण, मेरे बुलाने से भगवान नहीं आएगा, इसको चरण पकड़ लूंगा तो भगवान को आना पकड़े। गज ने क्या, मगरमच्छ ने क्या किया, हाथी का पांव पकड़ लिया। काफी कहते हजारों वर्ष तक हाथी परेशान रहा, जब उसका बस नहीं हुआ उसने भगवान को याद किया, मेरी रक्षा करो। भगवान आए, भगवान ने पहले भक्त को नहीं पूछा, पहले उसका उसको मुक्त किया जिसने उसके भक्त के चरण पकड़ रखे थे, और उसमें से चतुर्भुजी रूप नारायण निकले और सीधा वैकुंठ को चले गए, बोल वहां के बिहारी लाल की। ऐसे ही बालाजी को मनाना हो, इनके चरण पकड़ लो, ये मान गए थे मेरे बालाजी अपने आप। बोलिए बालाजी महाराज की। अरे मेरा सौभाग्य है। अरे प्रभु जी, मैं वैसे बद्रीनाथ धाम में रहता हूं, परंतु मैं आप लोगों को बता दूं, जब तक बालाजी की कृपा नहीं होती कोई बद्रीनाथ धाम नहीं जा सकता, क्योंकि द्वार पे वही बैठे हैं, हनुमान चट्टी पे। हनुमान चट्टी पे बड़ी सी बड़ी गाड़ी क्यों ना हो, बड़ा सा बड़ा मंत्री क्यों ना हो, जब तक बालाजी का मत्था नहीं टेका, तिलक नहीं लगा, वो बद्रीनाथ धाम जा ही नहीं सकता, रास्ते से लौट जाता है। ये बालाजी की बड़ी कृपा, अभी बताऊंगा आपको मैं, परंतु पहले कैसे, पहले राम के चरणों में छोटा सा। और सभी ने बालाजी महाराज को मनाने के लिए उनके आराध्य देव श्री राम जी का कीर्तन करेंगे सभी लोग। कैसे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। Yeah.
सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम, और बहुत ही सरल सा नाम है राम, और कुछ नहीं कहना बस श्री राम कहना है। और देखिए जिसने ये तरज भी ऐसी ढूंढी हमने कि जो हाँ आपको याद होगी, बहुत अच्छी सरल तरीका, ऐसी तरज है कि यहाँ से घर में जाते जाते कल को मैं कहता हूँ रसोई में अगर रोटी भी पकड़ी हो तो मेरे राम के नाम की, प्यार से कहते राधे राधे, और क्या भाव से क्या कहना है, श्री राम जय राम। देखिए मैंने कहा ना कि हर देवता को अलग अलग स्थान दे रखा है, कार्य बांट रखे हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, पालन करता भगवान विष्णु है, कल्याण करता भगवान शिव है। ऐसे नहीं, मैं आप लोगों को बता दूं, छोटा सा उदाहरण है। अभी हमारे हरिद्वार में स्नान करने के लिए दुनिया जाती है और बहुत भीड़ थी, भीड़ में एक सेठ की सेठानी खो गई, सेठ की सेठानी खो गई। अब होता ही है, भीड़ में तो खोता ही है इंसान। अब वो बड़ा बेचारा परेशान था। जब आदमी परेशान होता क्या करता, मंदिर में जाता, जब परेशान होता तब जाता मंदिर में। मंदिर में गया, सामने देखा तो प्रभु राम का मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर में गया, पंडित जी बैठे हुए थे दरबार में। उन्होंने कहा ये सेठ जी आ रहे हैं, मोटी मोटी चैने हैं, मोटी मोटी अंगूठी, अच्छी दक्षिणा मिलेगी। हाँ सेठ जी क्या हुआ, कहते कुछ नहीं मेरी घरवाली खो गई। कहने लगा घरवाली खो गई, फटाफट बाहर जाओ, 5.25 किलो देसी घी के लड्डू, भगवान प्रभु राम को भोग लगाओ, घरवाली भी मिल जाएगी और मनोकामना भी पूर्ण, यात्रा भी सफल हो जाएगी। और बेचारा मरता क्या ना करता, फटाफट गया 5.25 किलो देसी घी के लड्डू बनवाए, आगे आगे हलवाई का नौकर, पीछे पीछे सेठ जी जा रहे। अब आप लोगों ने देखा ना, जब मंदिर होता है तो मंदिर में साइड में छोटे छोटे मंदिर भी और होते हैं, तो कोने पे हमारे बालाजी का मंदिर, हनुमान जी वहां पे भी पंडित बैठा था। पंडित जी ने देखा बालाजी का जो पुजारी था जरा थोड़ा दिमाग वाला था, आपने भगवान राम से कुछ मन्नत मांगी थी, कहते थे तो फिर ये 5.25 किलो देसी घी के लड्डू करके मेरी घरवाली खो गई, तो कहते भगवान को भोग लगाने जा रहा हूँ। कहते अच्छा घरवाली खो गई और भोग लगाने जा रहे हो राम को, कहते हाँ। कहते अपनी तो खोज नहीं सका, तेरी कहाँ से खोज। कहता राम की सीता खोई थी, कहते हाँ किसने खोजी थी, कहता हनुमान ने, फिर भोग इधर लगा। खोजने, अगर कोई इंसान खो जाए तो खोजने का काम तो प्रभु ने हनुमान को दे रखा है, खोजने का काम। अब सारे काम हमारे गोयल साहब थोड़ी करते हैं नारायण जी, ये तो बैठे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, खाना तेरा ये तू संभाल। ऐसे ही खोजने का काम हनुमान जी का, हनुमान जी को भोग लगा, दिमाग में बात बैठ गई, कहता हाँ यार फटाफट भोग लगाया, कहता अब क्या करूं, कहते चार परिक्रमा लगा, चार परिक्रमा दूर की बात है, तीसरी परिक्रमा पे घरवाली मिल गई। कहने लगे तू, कहते हाँ मैं जब परेशान हो गई थी, मैंने कहा मंदिर में जाऊं भगवान को, पर तू मिल गया, अच्छा हुआ। चलो बोले बांके बिहारी लाल की, बोले बालाजी महाराज की। तो देखिए समझ लो, अलग अलग देवता को मनाने का अलग अलग तरीका होता, और वैसे भी देखा जाए इस जमाने में, इस कलयुग में तो गुरु बनाना बड़ा मुश्किल है, और आदमी को गुरु बनाना, क्योंकि कोई ना कोई कान भर देता, छोड़ भरे वो अच्छा नहीं है, दूसरे दिन गुरु बदलो।
गुरु में शास्त्रों में दो ही जगह आता है, या तो जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव के नाही, या तो प्रभु हनुमान जी को गुरु के रूप में मानो, या फिर कृष्णम वंदे जगत गुरु, या तो भगवान श्री कृष्ण को, नहीं तो बालाजी के चरणों में बैठे हो। आज गुरु पूर्णिमा है, सबसे पहला शुभ कार्य तो यही कर लो कि जिसने जीवन में गुरु धारण नहीं किया आज बालाजी को ही गुरु मान लो। बोल बांके बिहारी लाल की, बोले बालाजी महाराज की, और कैसे बड़े भाव से। बोलिए बालाजी महाराज की जय। जैसे यहाँ मेहंदीपुर बालाजी में हर साल यहाँ पर बालाजी के मेले लगते हैं, तो आज भी यहाँ पर एक विशाल मेला यहाँ पर लगा है और इतनी सारी संगत आई है, तो सभी ने इस मेले में जाना है और बाबा के दरबार में अपने अपने नाम की हाजिरी लगाई। वैसे भी 18वां है जी, 18वां, 18वां, अच्छा 18वां, 18वां कीर्तन है। आठ हर एक नौ को पहले अशुभ मानते थे, परंतु जब से भगवान श्री राम ने इस नौवीं तिथि में जन्म लिया तब से ये शुभ हो गई। और वैसे भी आज नौ है, क्यों आठ हर एक हाँ। और प्रभु राम के चरणों में बालाजी को कैसे मनाना, क्या कहना है। हो मिला बालाजी कहाया दीदार कर लो, इसके सुंदर बड़े नजारे हो सानु लग दे बड़े प्यारे, जी दीदार कर लो हमें ला। हाय 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 जी।
मस्ती कहते हैं मस्ती। हाँ मस्ती, ये मस्ती बालाजी के नाम की मस्ती है। प्यार से कह दो राधे। और कैसे? बोलिए बालाजी महाराज की। और ऐसे ही कैसे खड़ी खड़ी हाजिर लगा रही है बाबा के दरबार में कैसे? एक मिनट। लाली लंगोटो हाथ में सोटो, लाली लंगोटो हाथ में सोटो, बड़ी कुमारी बड़ी जो थोड़ा हरी हरी, ये होगा बड़ी कुमारी बड़ी जो थोड़ा हरी। बाई चांस एक आध कोई मेरी माता बहन रह गई हो नहीं नाची, मुझे पता घर में जाते कुंडी बंद। अच्छा घर में जाके यहाँ पर इतना आनंद दे देंगे हम आज आपको, इतना नशा दे देंगे कि जो यहाँ पे नहीं नाचा। पर एक बात कहूँ, यहाँ घर में मनीष जी नहीं होंगे बजाने वाले ना हम गाने वाले, वहां पर तो कोई नहीं मेरी। अभी मैंने कार्यक्रम शुरू नहीं किया,
अभी शुरू, अभी तो सिर्फ मस्ती है बाबा बालाजी के नाम की, और उसके बाद क्या करना, एक बार ईमानदारी से दोनों हाथ खड़ी करके और ऐसे कैसे थारी प्यार से कह दीजिए, बोलिए बालाजी महाराज की। और मैंने कहा ना, बड़ी सुंदर सी लाइनें हैं, हनुमान चालीसा में आप पढ़ते होंगे, जो सत बार पाठ कर कोई छूटे ही बंदी। इसका अर्थ क्या है? अपने अपने भाव की बातें हैं, छूटे ही बंदी, यानी कि जितना हनुमान चालीसा सबसे पहले पढ़ने वाला कौन है मालूम है आपको? सबसे पहले हनुमान चालीसा पढ़ने वाले मेरे प्रभु राम है। हनुमान चालीसा में देखिए ना, जो जो कार्य हनुमान जी ने किए हैं, लाए सजीवन लखन, मतलब पूरी पूरी गाथा है। हनुमान जी ने जो जो कार्य किए हैं वही हनुमान चालीसा में, इधर उधर की बातें नहीं है। और वो बातें जब युद्ध लड़के आ गए थे, प्रभु श्री राम को राज्याभिषेक हो गया था, तो वो भरत को कहते थे कि मेरे हनुमान ने ऐसा किया, मेरे हनुमान ने ऐसा किया। पूरी राज्यसभा जब बैठ जाती थी, सबको यही बताते थे कि मेरे हनुमान ने ऐसा किया, मेरे हनुमान ने। और पूरी अयोध्या इसको गाने लगी कि हनुमान जी ने ऐसा किया था, प्रभु राम की सेवा ऐसे की ऐसे। जो सात बार उन्होंने न जाने कितनी बार पढ़ा, जन्म जन्म के मुक्ति, जन्म जन्म की मुक्ति पाली और प्रभु राम के साथ शाश्वत धाम चले गए। प्यार से कह दीजिए बालाजी महाराज की। परंतु जैसे ही सारी जितने भी अयोध्या वासी शाश्वत धाम जाने लगे, तो देखा हनुमान जी पीछे, प्रभु राम ने देखा हनुमान जी कहाँ हैं। प्रभु हनुमान जी आप नहीं जा रहे हमारे साथ? कहते प्रभु जी एक बात पूछना चाह रहा हूँ। कहते क्या? कहते वहां पर आपकी कथा होगी। कहने लगे जहां मैं हूं तो मेरी कथा क्यों, मैं ही हूं। कहते आपका भजन होगा, कितनी आपका कीर्तन होगा। कहने लगे मेरा मन वहीं लगता है जहां पर तुम्हारी कथा हो, तुम्हारे नाम का भजन हो, मैं वही अच्छा लगता। और वो भजन वो कथा सिर्फ पृथ्वी लोक में है। तो प्रभु राम ने आनंद रामायण में स्वयं अपने मुख श्री मुख से कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को कहा, जाओ बद्रिका आश्रम में जाओ, एक वही धाम है जो मुक्ति का धाम है, वहां पर श्राप मुक्ति है। उद्धव को भी यादवों को श्राप लग गया था, सारे यादव समाप्त हो गए थे, परंतु उद्धव नहीं हुआ। क्यों? उद्धव को बद्रिका आश्रम भेज दिया। प्रभु राम ने हनुमान जी को, मेरा प्रिय स्थान बद्रिका आश्रम है, वहां पर जाइए, हनुमान चट्टी में जाकर के मेरे प्रभु हनुमान जी वहां पर विराजमान है। अब भीम कौन है? पवन, पवन पुत्र। और मेरे हनुमान जी भी कौन है? पवन। तो जब महाभारत में आपने वो प्रसंग सुना होगा कि ब्रह्म कमल मिला, एक अलकनंदा में बहता हुआ ब्रह्म कमल मिला, तो पूजन के लिए यज्ञ के लिए उस ब्रह्म कमल को लाया गया। द्रौपदी ने कहा इतना सुंदर कमल है मुझे भी चाहिए। अब वो कमल कहां से मिले? ऋषियों ने कहा यह कमल सिर्फ बद्रिका आश्रम में नीलकंठ पर्वत के नीचे मिलता है, वहां से लाओ। हनुमान भीम जी ने कहा मैं लेके आता हूं। तो रास्ते में जैसे ही हनुमान जी को पता लगा मेरा भाई भीम आ रहा है, इसके बल की बड़ी मैंने प्रशंसा सुनी है, देखो कितना बल है मेरे भाई में। 10,000 हाथियों का बल था भीम के। हनुमान जी ने देखा, बूढ़ा बूढ़े बानर बन गए, पूंछ रास्ते में कर दी। अब भीम जैसे ही आया, हे बानर
जरा अपनी पूछ हटा दो, कहने मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे से तो पूछ उठती नहीं है, आप जरा पीछे कर दीजिए, क्योंकि किसी का शरीर लांगना, लांग कर जाना पाप मानते थे। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, एक उंगली से कहाँ हिलने वाली थी पूछ थी हनुमान जी की, दूसरी उंगली पूरा हाथ लगा दिया, दोनों हाथ 10,000 हाथों का बल जब लगा दिया, पूंछ टस से मसनी हुई, आंखों में आंसू आ गए कि प्रभु आप बताइए कौन है आप, बानर सरल नहीं। तब हनुमान जी ने कहा मैं तुम्हारा भाई पवन पुत्र हनुमान हूं, मुझको बड़ा अच्छा लगा, मांगो क्या मांगते हो, तुम मेरे पास आए हो छोटे भाई हो। कहने के प्रभु एक बार वो रूप दिखा दो जिससे छलांग मार करके लंका गए थे, वही विराट रूप हनुमान चट्टी में दिखाया है। और कहने लगे प्रभु एक चीज और मांगता हूं अगर दोगे तो। कहते क्या? जब महाभारत का युद्ध होगा आपसे कृपा है कि अर्जुन के रथ के ऊपर विराजमान रहना, ताकि जहां पर हनुमान जी का ध्वजा है वहां पर विजय अपने आप, जहां पर हनुमान जी का ध्वजा होगी वहां पर विजय आप लोगों को मिलेगी मिलेगी। तो वहीं पर हनुमान चट्टी में नारायण के दर्शन तब होते हैं पहले बद्री का आश्रम में। तो लीजिए बद्री धाम से आया हूँ तो भगवान के दर्शन आप लोगों को करा रहा हूँ बालाजी के महाराज जी के, क्योंकि आज बालाजी के यहाँ पर फंक्शन है, बालाजी का फंक्शन। आपके घर में कोई फंक्शन हो, आपके इष्ट मित्र आते हैं ना, तो आज बालाजी का फंक्शन है तो सभी देवी देवता यहाँ पर आएंगे। कितने बड़े भाव से क्या कहना है, बद्रीनाथ धाम से आया हूँ तो नारायण के दर्शन कीजिए। कैसे I am.
नारायण को अगर दुनिया में कोई अति प्रिय है तो मेरे बालाजी है। अब प्रमाण में देता हूं, एक बार नारद जी को अपने पे अहंकार हो गया था कि मैं नारायण का सबसे प्रिय हूं। भगवान जहां पर अहंकार होता वहां भगवान नहीं रहते। भगवान ने तुरंत लीला रचाई, नारद जी पृथ्वी लोक में आए, कहीं से जा रहे थे, एक गुफा से आवाज आई, श्री राम श्री राम श्री राम। नारद जी अंदर गए, देखा एक बानर बैठे हुए हैं तपस्या में लीन है। हे बानर तुम कौन हो? मैं राम भक्त हनुमान हूं। नारद जी कहने के कौन राम? कहने लगे नारायण का त्रेता में अवतार होगा, उनका नाम राम है, वो मेरे आराध्य देव है, मैं उनका भक्त। नारद जी ने कहा कि कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको मैं नहीं जानता, इको कम कर दो भैया जब मैं बोलूं। जो तपस्या करते हैं मैं उन सबको जानता हूं, परंतु तुम्हारे को मैं जानता नहीं हूं। जब मैं नहीं जानता तो नारायण कैसे जानेंगे कि हनुमान कोई तपस्या कर रहा है? हनुमान जी कहने लगे नहीं नारद जी, ऐसा नहीं हो सकता। आपको हो सकता है मालूम नहीं, परंतु मेरे नारायण को पता है कि मैं उनका भक्त तपस्या कर रहा हूं। कहने लगे ये कैसे हो सकता है? कहने लगे नारायण के पास एक फाइल है, उन फाइल में सब भक्तों के नाम होते। अब नारद जी को झटका लगा कि मुझे फाइल के बारे में पता नहीं, इसको कैसे पता? तुरंत ऊपर वैकुंठ लोक में नारायण आओ देवर्षि नारद, कैसे आना हुआ? प्रभु आपके पास कोई भक्तों की फाइल है? कहते हाँ है। कहाँ रखी? कहते अंदर रखी। कहते आपने मुझे बताया नहीं? कहने लगे देवर्षि नारद आप हमेशा यहीं रहते हो, मैंने समझा आपको पता होगा अंदर है। फटाफट अंदर गए, देखा, फाइल खोली, सबसे पहले पन्ने पे नाम लिखा हुआ था देवर्षि नारद। खुश हो गए कि पहला नंबर मेरा ही है, मैं ही सबसे बड़ा प्रिय हूं। सारी फाइल दो बार पढ़ ली, तीन बार पढ़ ली, हनुमान जी का नाम ही नहीं उसमें। बड़े खुश हुए, मैंने कहा था पहले कि तेरा नाम ही नहीं है। फटाफट तुरंत वापस, हनुमान जी कहते हाँ तुम्हारा नाम नहीं है, मैंने पढ़ ली पूरी फाइल। हनुमान जी कहने लगे फाइल में नाम नहीं है? कहते नहीं। कहने लगे फिर भगवान की पर्सनल डायरी में होंगे। कहते पर्सनल? कहते हाँ उनकी जेब में रहती है। फिर झटका लगा कि इसको जेब तक का पता ही। तुरंत वापस वैकुंठ, नारायण नारायण आओ देवर्षि नारद, कैसे आना? प्रभु आपके पास कोई पर्सनल डायरी है? कहते हाँ है। कहते आपने मुझे कभी बताया नहीं? कहते आपने कभी पूछा नहीं, मैंने समझा तेरे को पता होगा। कहने लगे मैं वो पर्सनल डायरी देखना चाहता हूँ, देख लूँ? कहते हाँ। तो जैसे ही पर्सनल डायरी का पहला पृष्ठ खोला तो उसमें लिखा था राम भक्त हनुमान। बोलिए बालाजी महाराज की जय। भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, भीष्म पितामह, दस भागवत हैं जो भगवान के प्रिय है उसमें नाम थे। नारद जी ने पूछा कि वो जो फाइल में भक्त हैं उनमें और इस पर्सनल डायरी में जो भक्त हैं इन दोनों में फर्क क्या है, ये फर्क जानना चाहता हूं। कहने लगे जितने भी ये फाइल वाले हैं ये मुझे दिन भर नारायण नारायण करते हैं, और जो ये पर्सनल डायरी में नाम है इनको मैं दिन भर का नाम सिमरन करता हूँ, बालाजी बालाजी बालाजी।
मेरे नारायण सबसे प्रिय अगर दुनिया में कोई है, मेरे प्रभु राम ने कहा है कि हनुमान से बढ़कर ना तो कभी हुआ ना कभी। ऐसे ही जिसको भगवान प्यार करते हो, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मानते हो, आज हम उसके दरबार में हैं। और लीजिए सतयुग त्रेता द्वापर, सतयुग में लक्ष्मी नारायण, त्रेता में सीताराम, द्वापर में राधे कृष्ण, और कलयुग में मेरे बाबा शाह। बोलिए खाटू नरेश की। और ऐसे ही मेरे वृंदावन के बिहारी जी हैं, जो बिहारी जी प्रकट हुए उनको देख करके आप स्वयं क्या कहेंगे बड़े भाव से। बोले खाटू नरेश की, बोल बांके बिहारी लाल की। और हरिदास जी ने बिहारी जी को प्रकट किया वृंदावन में, वो इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं बिहारी जी कि कैसे बड़े भाव से क्या कहना है। तेरी नैना, तेरी नैना बड़ी है चित जो, तेरे नैना बड़े है चित जो, कन्हैया बाके बाके ओ नंद Hey!
डाला, कलयुग में भी आ जाओ। गीता में की ये बातें आकर के निभा जाओ, गीता में की ये बातें आकर के निभा जाओ। जब धर्म की हो हानि और अत्याचार बढ़ते, जब धर्म की हो हानि और अत्याचार बढ़ते, तब धरती पर आके तुम लीलाएं रचते, तब धरती पर आके तुम लीलाएं रचते, तुम लीलाएं रचते। वो वक्त आ गया है, वो वक्त आ गया है, लीलाएं रचा जाओ। मिलके कह दो राधे राधे इको कम। मैंने किसी को ताली बजाने को कहा नहीं ना, सब लगी हुई थी राधे राधे राधे। गायकों की आदत होती है एक भजन गाते हैं 10 बार हाथ खड़े हैं, जब आधे लोग इसलिए कीर्तन में नहीं आते। प्यार से कह दो राधे राधे भाई, कितना हाथ खड़ा करो है। मैंने कहा किसी को हाँ, भजन वो जिसमें ताली अपने आप बजे। आप तो ताली बजा रहे थे या मेरी बेटी? बेटा बेटी बेटा इधर, बेटी उधर भी, बच्चे गोद में है परंतु ताली बज रही है, बच्चों पे लगी हुई है राधे राधे राधे। और बच्चे कभी माँ को देख रहे कभी मुझे देख रहे कि इसे हुआ क्या, अभी तक तो चंगी भली थी, ये पंडित जी की आते ही पता नहीं क्या हो गया माँ को। पर जिसके पीठ पर या शीश पर इसके नाम की ताली बज जाए उस बच्चे का जीवन धन्य हो जाता है, उसके अंदर भगवान के संस्कार पड़ जाते हैं। प्यार से कहो राधे राधे, मिलके कहते राधे राधे। और दुनिया में जितने भी भगवान हैं, दुनिया में जितने भी भगवान हैं, सब कहते हैं कि मेरा नाम लो, परंतु एक कृष्ण ऐसा है जो कहता है मेरा नाम मत लो। इसको नाम का भूखा भी नहीं मेरा कन्हैया। आपको उदाहरण दे देता हूं, वृंदावन में कोई कृष्ण बोलता है क्या कहते हैं? कारण है उसका, कृष्ण नाम टेढ़ा है, लेना बड़ा कठिन है। कल को 2 मिनट घर जाप जाओगे, 2 मिनट एकांत में बैठ के बोलना कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मुंह थक जाता है। 2 मिनट बाद बोलो मैं ऐसे ही ठीक हूं। आप तो फिर भी हिम्मत मार लोगे 2 मिनट, पर जिस बेचारे के 2 दांत आगे के टूटे हुए हों,
वो जीवन में कृष्ण नहीं बोल सकता क्योंकि उसकी तो हवा निकल जाती कृष्ण। हाँ देख लेना प्यार से कह दो राधे राधे। मेरे कन्हैया को पता था मेरा नाम टेढ़ा है, इसलिए दुनिया क्या कहती है, राधे का भी मतलब है। राधे का मतलब क्या है, रिक्शे वाले जब भी कोई घंटी नहीं बजाते क्या कहते हैं, राधे का मतलब रास्ता नहीं राह दे। सामने वाला समझ जाता, वो भी साइड पे हो जाता, कहते जा राधे। इसका मतलब ये है जीवन में कभी संकट आ जाए, इसका नाम संकट, वैसे संकट मोचन तो है ही, प्यार से कह दो राधे राधे। इसका नाम लो, दिल से एक बार कह देना राह दे राह दे, वो तुम्हें घर बैठे ही रास्ता दिखा देगा, प्यार से कह दो राह दे। मिलके कह दीजिए राधे। और ऐसे ही बड़े भाव से क्या कहना है, हाँ जी वही साढ़े दिन, राधे 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 राधे, नाम जपे जा मिल जाएंगे घर, मिल जाएंगे घर नाम जपे जा। राधे 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 नाम जपे जा मिल जाएंगे घर। खुश हो गए हनुमान राम राम किए जा, खुश हो गए हनुमान राम राम किए जा, खुश हो गए हनुमान राम राम किए जा, खुश हो गए हनुमान राम राम किए जा। जिसने भी जपी माला राम राम नाम की, जिसने भी जपी माला राम राम नाम की, जिसने भी जपी माला राम राम नाम की, जिसने भी जपी भक्ति उसको हनुमान की, जग में मिली है भक्ति उसको हनुमान की, भक्ति हनुमान की, भक्ति हनुमान की। राम 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 रस पान राम नाम का, राम 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 रस पान राम नाम का, भर भर के पिए जा खुश होंगे हनुमान, खुश होंगे हनुमान। कुछ होंगे हनुमान राम राम की जा।
तेरी बांसुरी ने क्या गजब किया, है शाम तेरी बांसुरी ने क्या गजब किया। मन का रहा न होश तूने मन को मोह लिया, मन का रहा न होश तूने मन को मोह लिया। है शाम तेरी बांसुरी ने क्या गजब किया, है शाम तेरी बांसुरी ने क्या गजब किया। मन का रहा न होश तूने मन को मोह लिया, बांसुरी क्या गजब किया, है शाम तेरी बांसुरी क्या गजब किया। राधे 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 आज बालाजी की बड़ी कृपा है हम पे। कैसे 4:30 पता नहीं कैसे लग जाती है खबर, बालाजी चले आते हैं भक्तों के घर, बालाजी चले आते हैं भक्तों के घर, बालाजी चले आते हैं भक्तों के घर। पता नहीं कैसे लग जाती है खबर, बालाजी चले आते हैं भक्तों के घर। पता नहीं कैसे लग जाती है खबर, बालाजी चले आते हैं भक्तों के घर, बालाजी चले आते हैं भक्तों के घर। बालाजी चले आते हैं भक्तों के घर, नहीं कैसे लग जाती है खबर, बालाजी चले आते हैं भक्तों के घर। और देखिए मेरी माता बहने, ये आज बड़ी खुशी है और क्या कह रही है, मोगे अंजनी का ये लाला पसंद आ गया, मोगे अंजनी का ये लाला पसंद पसंद आ गया, मुझे अंजनी का ये लाला पसंद आ गया। अरे राम का दुलारा मन को लुभा गया, अरे राम का दुलारा मन को लुभा गया, मुझे अंजनी का ये लाला पसंद आ गया, मुझे अंजनी का ये लाला पसंद आ गया। We'll be right back.
आज अंजनी लाला को दिल से मनाएंगे, आज अंजनी लाला को दिल से मनाएंगे, ओए आज अंजनी लाला को दिल से मनाएंगे, आज अंजनी लाला को दिल से मनाएंगे। नाचेंगे झूम झूम, नाचेंगे झूम झूम, सबको नचाएंगे, आज अंजनी लाला को दिल से मनाएंगे, आज अंजनी लाला को दिल से मनाएंगे। नाचेंगे झूम झूम, नाचेंगे झूम झूम, सबको नचाएंगे, आज अंजनी लाला को दिल से मनाएंगे, आज अंजनी लाला को दिल से मनाएंगे, आज अंजनी लाला को दिल से मनाएंगे, आज अंजनी लाला को दिल से मनाएंगे। जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, बोलिए बालाजी महाराज की। आप क्या गोयल साहब, हाँ जी, आप क्या समझ रहे थे कि जो ऊपर खड़े नाच रहे थे यही नाच रहे थे, इन वाली नाच रही थी अंदर अंदर, और कईयों का मन हो रहा था मैं भी, और पड़ोसन को कह रही थी तू चल जा, तू चल तो मेरा नंबर अपने आ, प्यार से कह दो राधे राधे, मिल के कह दीजिए राधे राधे। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज स्वर्गीय मोतीलाल जी के सपुत्र भागवत में लिखे हैं सपुत्र श्रेष्ठ पदवी होती है, जो कि अपने पिता के सपनों को साकार करे। हमारे रतनलाल गोयल जी बड़ी कृपा है। एक मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक बाप दिल्ली में रहता था, उसके बेटे जगह तीन जगह रहते। एक दिन बाप की चिट्ठी आ गई बड़े बरसों के बाद। बड़े बेटे ने देखा मेरे पापा की चिट्ठी, बड़े खुश हुए और चिट्ठी को लिया, बड़ा सुंदर सा उसको फ्रेम चढ़ाया, मंदिर में रख दिया, सुबह शाम आरती पूजा, मेरे पिताजी की चिट्ठी है। दूसरे बेटे ने क्या किया, उसने सोने का फ्रेम लगाया और ड्राइंग रूम में सजा दिया, और जो भी आए उसको बताया कि ये मेरे पिताजी ने मुझको चिट्ठी लिखी। तीसरे पुत्र ने क्या किया, वो चिट्ठी पढ़ी, पढ़ के फोल्ड की, गद्दी के नीचे रख दी, और जो उस चिट्ठी पे लिखा हुआ था तुरंत उस पे अमल किया। अब आप बताओ उन तीनों में से पितृ भक्त कौन सा है, तीसरे वाला, क्योंकि जिसने उस चिट्ठी को पढ़ा और उस पर अमल कर ले, उस पर लिखा हुआ था कि चीनी बहुत सस्ती है बेटे भर लो, उसने गोदाम भर दिया। बड़े वाले ने तो मंदिर में रखा था, एक ने ड्राइंग रूम में सजा दी, तीसरे वाले ने गोदाम भर दिए। 3 महीने बाद फिर चिट्ठी आई कि बेटे चीनी चरम सीमा पे है, बेच दो। जिसके पास चीनी थी उसने तुरंत बेची, रातों रात करोड़पति अरबपति हो गया, पूरी दुनिया में उसका नाम हो गया। कहने का मतलब क्या है, ये चिट्ठी क्या है, हमारे पूर्वजों की चिट्ठियां कौन सी हैं, ये भागवत है, ये रामायण है, ये गीता है, हमने मंदिरों में सजा दी, किसी ने ड्राइंग रूम में सजा दी। जिस दिन तुम इस पे अमल कर लोगे उस दिन तुम भी करोड़पति बन जाओगे, करोड़पति बन। जैसे कि हमारे मोतीलाल जी गोयल जी ने हमारे गोयल जी को जो शिक्षा दी, देखो आज वो भी करोड़पति से कम नहीं है, क्योंकि बाप का धन है, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। मैं तो इतना आनंदमय हो गया, जोरदार तालियों से पहले इनका स्वागत कीजिए। जो ना रात हंसती ना सितारे होते, ना रात हंसती ना सितारे होते, लहरें भी भटकती घर किनारे ना होते, जिंदगी कहाँ जाके फरियाद करती है। भक्तों अगर जिंदगी में आप जैसे सहारे ना होते, मुझको बालाजी लाने वाले आप ही हैं, दर्शन प्यार से कह दीजिए राधे राधे। आप लोगों के लिए भजन बहुत गा दिए, अब एक भजन में भाइयों के लिए गा दो, इजाजत मिल गई। कई लोग सोच रहे हैं
गोयल साहब ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, हाँ देसी घी का पेवर खाना बड़ा सुंदर जवाब ने, बैठ के मिल रहा है सबको, सबको बैठ के भोजन मिल रहा है। परंतु दो दिन हो गए, तीसरा दिन है, दूसरा दिन है, परंतु पीने की बात अभी तक नहीं की। चिंता ना करो, मुझको कह रहे का पंडित जी सबको पिला के जाना, हाँ हाँ पीने के नाम पे देखो चमक आ गई चेहरे पे, हाँ नहीं 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 राम रस नहीं, पीने का नाम देखो सबके चेहरे, अब आते तो जाते कह देंगे। मैं कहता हूँ दुनिया में, दुनिया कहती नशा मत करो, मैं कहता नशा खूब करो, दुनिया कहती मत पियो, मैं कहता रोज पियो, बल्कि कल से दो टाइम शुरू हो जाओ सुबह शाम। अब आधे जाते घर वाले को कहेंगे अब ना रोकना, पंडित जी ने भी कह दिया। पर ऐसी नहीं पीनी भाई कि जाम से जाम टकराने से क्या फायदा, शाम को पी सवेरे उतर जाएगी। दो प्याले राधा कृष्ण नाम के पी ले बंदे सारी उम्र नशे में ही गुजर जाएगी। प्यार से क्या दुरा धीरा बारात में शादी में पता क्या होते, यार दोस्त मिलते तीन चार, यार टाइम पास कैसे करें, कहते यार जो नहीं पीता उसे पिलाओ आज। ऐसा आदमी ढूंढते हैं रिश्तेदारी में बारात में जो कभी नहीं पीता, कहते इसे पिलाओ, कहते कैसे पिलाओ, कहते कोका कोला में मिला के दे दे इसे, कोका कोला में मिला के दे देते हैं। और वो बेचारा जब पीता है उसे कहते नाच, वो कहते नहीं यार मैं ऐसे ठीक हूँ। पर जब उसे चढ़ जाती है उसे बिठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बैंड बाजे बंद, ऑर्केस्ट्रा बंद, डीजे भी बंद, अपने घर चले जाते हैं सब। वो बेचारा जनरेटर के सामने लगा रहता है पूरी रात, उसे यही नहीं पता म्यूजिक चल रहा है या जनरेटर। मैं भी आज ऐसी पिला के जाऊंगा कि यहां से घर जाओगे राधे 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 राधे।